हेलो जी, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, ये बनाने लगा हूँ जी माइंड ब्रिज के बारे में। बहुत सारे लोग सर्च करते हैं माइंड ब्रिज क्या है, माइंड ब्रिज में हमें काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इंटरव्यू कैसा होता है, क्या लेके जाना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है और कब जाना चाहिए और कितने इंटरव्यूज होते हैं। बहुत सारे सवाल आप लोगों के माइंड में ज़रूर होंगे, वो आज सारे इंशाल्लाह क्लियर करूँगा इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो और आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ माइंड ब्रिज, तो मैं डिटेल में बताता हूँ। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखें भाई, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लोगों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि समटाइम होता है ऐसे कि लोग वीडियो ज़रूर बनाते हैं लेकिन वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दे नहीं पाते। चलिए मैं बताता हूँ कि माइंड ब्रिज में आपने कैसे जाना है, आपने इंटरव्यू कैसे देना है, आपसे इंटरव्यू में क्या सवाल होंगे और आपने साथ क्या लेके जाना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, मैं जो अपनी अगर बात कर लूँ, आई एम फ्रॉम लाहौर और मैंने जो अपना लेके गया था ना, अपना CV, सिर्फ CV लेके गया था मैं और ID कार्ड जो आपका होता है ओरिजिनल CNIC, वो मैं लेके गया था इधर कश्मीर रोड गणेशा वाली ब्रांच में। ठीक है, लाहौर में आई थिंक दो हैं, एक कोटलकपत में और एक गणेशा वाली ब्रांच में जो कश्मीर रोड पर है, जो शिमला भाड़ी के अराउंड पास ही है, नादरा के ऑफिस के साथ है। ठीक है, अगर लोकेशन ना समझ लगे आप लोग मैप भी सर्च कर सकते हैं। खैर एनीवेज, मैं लेके गया था जनाब अपना CV और ID कार्ड। वो ID कार्ड की एंट्री होती है वो गेट पे आपने करवानी होती है और उसका जो इंटरव्यू का टाइम है ना वो मैं आपको बता दूं, आप कभी भी जा सकते हैं। मोस्टली जो टाइम है ना वो 2 बजे से ले, कोशिश करें अगर आपने जाना है आप दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे के दरमियान जाएँ, या 12 से 5 या 4 के दरमियान भी जा सकते हैं, दोपहर का टाइम बता रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ पर जाएँगे सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो गेट पर गार्ड आपकी एक एंट्री करेगा, CV देखेगा एज ए फॉर्मेलिटी कि हाँ भाई लड़का CV लेके आया है, उसने वाकई इंटरव्यू के लिए जाना है। तो गार्ड जो है वो CNIC की एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद जो है वो आपको भेज देगा अंदर। जब आप अंदर जाएंगे वहाँ स्टार्टिंग में बेंच पड़े हुए हैं, जो मेरे साथ सिनेरियो है मैं आप लोगों को वही डिस्कस करूँगा और आई थिंक सबके साथ इसी तरह होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपने जस्ट कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू देना है। खैर एनीवेज, मैं वहाँ गया अंदर बैठा बेंच पे बैठने के बाद, अब मुझे तो बहुत जल्दी 5 मिनट के बाद एक लड़का आया तो वो ले गया डिपार्टमेंट में जहाँ पे HR साहब बैठते हैं, मुझे कहता जी आपका इंटरव्यू है, लेकिन उससे पहले एक एंट्री होगी और मजीद वो रिसेप्शन होती है ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे एंट्री होती है आपके ID कार्ड और CV के बेस पे, जिसमें आपका नेम और ID कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, ये छोटी कॉमन सी जो चीज़ें होती ना वो वहाँ पे सिस्टम में उन्होंने नोट करनी होती हैं। अच्छा, नोट करवाने के बाद वो लड़का आपको सीधा ले जाएगा फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ पे HR साहब बैठते हैं, उसके बाहर भी एक बेंच लगा हुआ है, वहाँ पे भी आपने बैठना है, बैठ के आपने वेट करना है क्योंकि और भी लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू दे रहे होंगे, जस्ट आपने वहाँ पे बैठना है। बैठने के बाद अब वो आपको थोड़ी देर के बाद कॉल कर देंगे जी आप फलाने कैबिन में चल जाएं, आप इंटरव्यू दे दें। इंटरव्यू जब देना है ना आपने, यकीन करें आपने ये चीज़ माइंड से निकाल देनी है कि यार मैंने नर्वस होना है, मैंने परेशान होना है और मैंने घबराना है। सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है, आपने इंटरव्यू देना है, आपने अपना बेस्ट देना है। बेस्ट कैसे देना है, HR साहब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इंग्लिश में पूछ सकते हैं, लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और आपने अपने आपको इंट्रोड्यूस करना है, देन ये पूछ सकते हैं जनाब आप जॉब क्यों यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने कहाँ से सुना है और आप पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में से कहाँ काम करते रहे, क्या काम करते रहे, और आपको कह देंगे जनाब अपने 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 बारे में थोड़ा सा तारीफ करवाएं, तो इंग्लिश अगर आप बहुत अच्छी है तो जनाब आप इंग्लिश में करवाएं, तो कोई मसला नहीं है। ये मेरा हाथ थक गया था यार मोबाइल पकड़ के। खैर एनीवेज, अच्छा वो कहाँ थे हम, हाँ वो या तो कहेंगे तारीफ करवाना है आप इंग्लिश में, इंग्लिश करवा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप इंग्लिश में अपना इंट्रोड्यूस करवाएं, उसके बाद जनाब आपसे एक दो क्वेश्चन बेसिक से पूछेंगे, आपका पूछेंगे कि जनाब आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है, इंटर किया है, मैट्रिक बेस नहीं रखते वो बिल्कुल भी, इंटर बेस भी अब समटाइम नहीं रखते, वैसे रख लेते हैं, ग्रेजुएशन बेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ज़रा डिग्री होती है ग्रेजुएशन की, बैचलर की। खैर एनीवेज, जो मेरे साथ हुआ था वो यही हुआ था जनाब, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन की हुई, ग्रेजुएशन के बाद मैं वहाँ पर गया हूँ, मैंने वहाँ पर जाकर इंटरव्यू मेरा हुआ, इंटरव्यू मैंने टोटली इंग्लिश में दिया और वो 5-7 मिनट का इंटरव्यू था, उसके बाद उन्होंने CV पे फिर वो पूछते हैं जनाब एक्सपेक्टेशन सैलरी क्या आप लेना चाहते हैं। ठीक है, अब ये बात बड़ी ध्यान से आपने सुननी है, अगर आप वहाँ पर जाते हैं ना आप कोशिश करें सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा बताएं, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो उससे 4-5 हज़ार ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं। अगर आप जाते साथ ही कहेंगे जनाब मैंने पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है वहाँ पर मैं सैलरी देता था 20,000 या 25,000, वो जनाब आपकी 30,000 ही लगाएंगे। ठीक है, तो आपने सैलरी को लेकर जो है ना बड़े एहतियात से बात करनी है, और अगर सच भी बता सकते हैं तो सच भी बता देना, उसमें कोई नहीं, लेकिन अगर आप में एबिलिटी है, आप ज़्यादा डिजर्व करते हैं तो आप ज़्यादा ही बताएं। तो यार इंटरव्यू देने के बाद मैं फिर जनाब थोड़ी देर मैंने वेट किया, वेट करने के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा वेट था, कोई आधे घंटे का, ये वेट करने के बाद जनाब मुझे सिस्टम पर बैठाया गया, वहाँ पर टेस्ट वगैरह लिया गया बाकायदा, और टेस्ट में ये होता है MCQs बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 10 होते हैं आपका रीडिंग टेस्ट होता है और 10 क्वेश्चंस होते हैं आपका जो है ना वो लिसनिंग टेस्ट होता है, फिर उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है,
अब ये तीन ये चीज़ें होती हैं, आपने जस्ट वो एक ग्रामेटिकल से क्वेश्चंस होते हैं, आपने उसकी बेस पे वो पढ़ के अच्छे तरीके से समझ के उसके हवाले से आपने जो है ना एमसीक्यूज को चूज़ करना होता है, ठीक है। इसी तरह लिसनिंग टेस्ट होता है, वो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, वो सेंटेंस ऊपर दिया होता है, मैच हो जाएगा, ठीक है, आपने उसके हिसाब से जो है वो एमसीक्यूज को सिलेक्ट करना है। देन आपका आया था जनाब टाइपिंग टेस्ट, वो मेरे ख्याल में गालमन कोई 60 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने होते हैं, यानी एक सेकंड में एक वर्ड आपने टाइप करना होता है। अगर आप टाइपिंग में बहुत अच्छे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपको चैट कंपेन्स वगैरह में रख लिया जाता है, क्योंकि बहुत सी इसमें फील्ड्स हैं, ये नहीं कि आप जाएंगे तो आपको खाली हाथ वापस भेज देंगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है आपको डोमेस्टिक में रख लेंगे, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है तो आपको कॉल सुनने में रख लेंगे, चैट कंपेन में नहीं रखेंगे। मतलब यहाँ पे अगर ये नहीं कि आप गए हो तो आपको कहेंगे तो ओके टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़ जाएँ, ऐसा सीन नहीं है। यहाँ फिर ज़ाहिर बात है अगर आप इंटरनेशनल से आप डोमेस्टिक में आएंगे सैलरी भी कम होगी, लाइक अगर आपको इंटरनेशनल की सैलरी बताई जाती है जनाब कोई 40-50 हज़ार, तो डोमेस्टिक में आएंगे तो वही 22-25 हज़ार, 30 हज़ार से ज़्यादा नहीं। तो हाँ ये है कि इसके अंदर आके ग्रो कर सकते हैं, साल में आप देखें क्या बनता क्या नहीं बनता। खैर मुझे अभी साल नहीं हुआ, तो जस्ट मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, जो क्लियर कर रहा हूँ, जो लोगों का माइंड है वो क्लियर नहीं है कि यार हमें क्या करना चाहिए, भैया जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखें अब हर बंदे की ना किस्मत होती है, ठीक है, आप अपनी लक को आजमाएं, मेरे हिसाब से हर बंदे को अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। आप जाएं यहाँ पे, आप अपना बेस्ट दें, जो बंदा अपना बेस्ट देता ना वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाता। खैर जी ये थी कुछ बातें माइंड ब्रिज के हवाले से, मैंने होपफुली सारे सवालों के जवाब आप लोगों को दे दिए। हाँ शिफ्ट के बारे में बता दूँ आपको, ट्रेनिंग सॉरी एक पॉइंट रहेगा ट्रेनिंग का। अच्छा ट्रेनिंग में ये होता है जनाब, जब आपका ये हो जाता है ना, मतलब कि टेस्ट वेस्ट हो गया, आपके मार्क्स आ गए लेट से कि 50% आ गए, ठीक है, आपको वो कहते हैं 2 हफ्ते के बाद जो है ना हम आपको कॉल करेंगे, और कॉल आ भी जाती है, ये नहीं कि नहीं, जो वो समझते हैं कि यार इसके मार्क्स अच्छे हैं 45% 50% भी आए हैं, वो उसको कॉल कर लेते हैं। कॉल करके आप लोगों को कहेंगे जी आपकी ट्रेनिंग है 1 महीने की, 2 हफ्ते एक ब्रांच है, 2 हफ्ते एक ब्रांच है, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसी हुआ था, मुझे कॉल आई थी, मैं गया था, 2 हफ्ते एक ब्रांच ट्रेनिंग थी, 2 हफ्ते एक ब्रांच ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में ये होता है, ट्रेनिंग वो करवाते, ट्रेनिंग होता है आपको बताता है सारा गाइड करता है, लेकिन वो साथ साथ आपको ये भी बता रहा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन भी सिखा रहा होता है कि यार अगर आप ये करेंगे तो इसके पैसे कट जाएंगे, अगर आप ये करेंगे इसके पैसे कट जाएंगे, लेट आने पे छुट्टी करने पे, मतलब कटौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो आपने पंक्चुअलिटी से काम करना, अगर यहाँ पे काम करना है पहली बात है, क्योंकि ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये नहीं चाहती कि यार एक बंदा मतलब लेट आए छुट्टियाँ करे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ले रहे कुछ भी ले रहे वो नहीं चाहते। तो खैर यहाँ पे सख्ती थोड़ी सी है इस हवाले से, और बाकी ये है कि आप ट्रेनिंग श्रेनिंग होती है उसके बाद फिर दोबारा एक अगेन टेस्ट होता है, तो उसमें आपसे वही जो ट्रेनिंग में सीखा होता है उसी हवाले से टेस्ट होता है, देन आप जो है ना ज्वाइनिंग देते हैं और आपका आईडी भी मिल जाता है उस दौरान। तो भाई ये सारा सीन है यार, ट्रेनिंग का कोई नहीं है, बाकी आप लोग किस्मत आजमाओ और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, कोई मसला नहीं। बहुत उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी, अगर ट्रैफिक का थोड़ा सा शोर आया तो उसको काइंडली बर्दाश्त भी कर लिया होगा आपने, जाहिर सी बात आप बात सुन रहे थे, क्योंकि बेसिकली मैं छत पे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, नीचे जो है ना लाइट गई हुई है और वो काफ़ी लंबी चली गई, लाइट आई नहीं, तो मैंने कहा यार एक वीडियो बना लें छोटी सी, शेयर कर लें आप लोगों से, आप लोगों को पता चल जाएगा यार माइंड ब्रिज क्या क्या नहीं। जो कुछ लोग डरते हैं यार, डरना नहीं है, देखें आप अल्लाह माफी दे कोई जेल में थोड़ी जा रहे हैं, आप काम करने जा रहे हैं, आप काम करेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं, कोई आप किसी को तंग नहीं करेंगे ना, कोई आपको तंग नहीं करेगा, ये एक फैक्ट है। तो बेफिक्र होकर जाएं, इंटरव्यूज दें, अपना बेस्ट दें, इंटरव्यू में बेस्ट दें, ट्रेनिंग में बेस्ट दें और जॉब में बेस्ट दें, तो आप कामयाब है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी, अगर समझ आ गई हैं और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि यार ये बंदे की पहली वीडियो, इतना कॉन्फिडेंस कैमरे के आगे बात करने का, तो जनाब मेरा एक और मेन चैनल है व्लॉग्स का, अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उस चैनल का नाम है तलहा नदीम वर्ल्ड, तलहा नदीम वर्ल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।